हाय, मेरा नाम सोफिया बैरेट है और मैं ओडिशा से हूँ। कुछ समय के लिए आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि कैसे आप दूसरों के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। कई बार ये थोड़ा सा परेशान करता है, हम घबरा जाते हैं और हम चिंता में हो जाते हैं कि ये हम कैसे करेंगे, और कई बार हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ भी बांटने से पहले परमेश्वर का प्रेम क्या है आपको पहले जानना होगा। ये बहुत ही जरूरी है। जब आप खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और आप खुद परिचित हो जाते हैं परमेश्वर के प्रेम से, तो वो उमड़ के बाहर जरूर आएगा। आपके पास उसका दिल है और आप वो देखने लगते हैं जो वो देखते हैं, और ये सब कुछ बदल देता है। इसलिए यीशु के साथ समय बिताना इतना जरूरी है और विश्वास को बांटना भी। एक स्थिति में अपने आप को सोच के देखिए। आप साधारण रूप से व्यवहार कर रहे हैं और अचानक से आप अपने अंदर कुछ महसूस करते जब कोई कुछ बोलता है, जैसे मुझे कमर में बहुत तकलीफ है, जो कि बहुत ही साधारण सी चीज है किसी को होना। लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं और दर्द होते हैं, और आप जैसे आप अपने अंदर कुछ महसूस कर रहे हैं। आप कहेंगे, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? और ये बहुत ही साधारण बात है पूरे संसार में, इसलिए नहीं। ओह, मुझे जल्दी से कुछ तो बोलना है। इससे अधिक आपको अंदर से महसूस होना चाहिए। परमेश्वर आपको इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप दर्द में रहें, इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। देखिए, यीशु ने सब कुछ किया, भले ही वो बीमारों को चंगा करना हो या मुर्दों को जिलाना हो, उन्होंने सब कुछ किया करुणा भरे हृदय से। और जब हम संसार को देखते हैं तो अपनी उन करुणा भरी आंखों से उन्हें देखिए, क्योंकि उनके लिए यही सबसे अच्छी बात है। कोई आपसे कुछ कहेगा तो एकदम वो करुणा आपके अंदर उठेगी जो आपने अनुभव किया परमेश्वर के उस सही समय में। और आप जानते हैं, क्या ये सही है करना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर भी यही करते अगर वो यहाँ शारीरिक रूप से होते। लेकिन जो भी वो करना चाहते हैं वो आपके द्वारा करते हैं। और मैंने जाना कि लोग इतना खुलकर सामने आते हैं जब करुणा भरे हृदय से बात आती है। ये लोग इतने खुलकर सामने आते हैं, और जब भी मैंने ये कदम उठाया है और जब भी मैंने डरते हुए इसे उत्साह के साथ किया है, मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, मैं चाहता हूँ तू ये कर, या मैं चाहता हूँ कि तू इस व्यक्ति से बात कर। जब भी मैंने इसे किया है, ये बहुत ही शानदार रहा है, और मैं हमेशा महसूस करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जितना आप इसे करेंगे उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन कभी भी परमेश्वर के प्रेम से मुलाकात करना ना छोड़ें, क्योंकि वही है जहाँ हमारी सामर्थ, अधिकार और करुणा हमें मिलती है। तो आज ही कोशिश करें। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही शानदार होगा।